न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में खेत में मवेशी जाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के दो लोगों की हालत गंभीर है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों को डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर देकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के मौलाना खसियारी गांव का बताया जा रहा है। ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? रिंकू। कहाँ, कौन से गांव में रहते हो? मौलाना खसियारी। अच्छा, क्या हुआ है? दो लोग घायल हैं अस्पताल में, इनके साथ में क्या हुआ? उनका फसल लगा था, उसमें उनकी गाय चल रही थी। हम लोग उनको बताने गए थे कि माँ अपना गाय बांध दो। वो लोग लाठी टिंगारी और सब लोग को छूट करे, इन दोनों टिंगारी। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोग जब तक वहाँ पे थे खड़े, तब तो वो टिंगारी छोड़ दिए दो भाई और पापा के ऊपर मेरे। फिर हम लोग उनको ले गए अस्पताल भागे। बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अपराध नियंत्रण अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी बहड़ी प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के द्वारा रिछौला फार्म के पास सूचना पर जसपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह को रिछौला फार्म के समीप एक देसी तमंचे के साथ और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बड़ी मात्रा में देसी तमंचा कारतूस मिलना एक और जहां पुलिस की कामयाबी दर्शाता है, वह दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया द्वारा दिए जा रहे भयमुक्त उत्तर प्रदेश के दावों को और अपराधों में सरकार के प्रति डर को प्रदर्शित करता है। आज दिनांक 5 फरवरी को दोपहर लगभग 12:30 बजे थाना बहेड़ी पुलिस टीम के द्वारा रिछौली फार्म्स के पास से जसपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह निवासी रिछौली फार्म्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक छोटा आकार का तमंचा .22 mm, 26 कारतूस 12 बोर, 5 कारतूस 315 बोर, 2 कारतूस .22 mm, 4 खोखा कारतूस .22 mm बरामद हुए। सपा के जिला पंचायत सदस्य ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उनकी मां पूर्व विधायिका ने भी सपा का दामन छोड़ दिया। पूर्व विधायिका अम्बेश कुमारी और उनके बेटे मृत्युंजय प्रताप ने सपा छोड़ दी है। बेंदू सीट से जिला पंचायत सदस्य मृत्युंजय सपा से बहुत करीब थे। अम्बेश कुमारी और उनके बेटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। लेटर में सपा को दलित गरीबों के उत्थान से भटकाव बताया। दलित समाज के अग्रणी नेता माने जाते हैं मां और बेटी। अचानक इस्तीफे से सपा में हड़कंप मच गया। श्रावस्ती में जिले के पंचायत सहायकों ने एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे कराने का बहिष्कार किया। कलेक्टर पहुंचकर पंचायत सहायकों ने मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बहिष्कार किया। गुणवत्ताविहीन सामग्री न होने से क्रॉप सर्वे करने का सहायक ने बहिष्कार किया है। इंटरनेट सुविधा से लेस मोबाइल डिवाइस और महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने, जिला प्रशासन, पंचायत सहायक, यात्रा भत्ता के साथ ही पेट्रोलिंग खर्च, दुर्घटना, मृत्यु होने पर सहयोग राशि और परिवार के व्यक्ति को नौकरी, पंचायत सहायक आयुष्मान कार्ड बनाने में लगाए गए पंचायत सहायकों को 5 रुपए प्रति कार्ड करें और जिला प्रशासन भुगतान करें। पंचायत सहायक कृषि विभाग में एग्रीसेट क्रॉप सर्वे करने का पंचायत सहायकों की ड्यूटी लगाई जाए। पंचायती राज विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग कार्यों में ड्यूटी न लगाए जाने की भी मांग की है। सर, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारे जियो के तहत आता है कार्य, जिसे सरकार ने जिस योजना के तहत हम लोगों को रखा है ग्राम पंचायत में, उस योजना के तहत जो है हमसे कार्य लिया जाए। हमसे किसी भी प्रकार का सर्वेयर का काम ना लिया जाए। सर्वेयर के तौर पे जैसे मैं थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहूंगा कि जैसे कि आयुष्मान के लिए हम लोगों को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई जिलाधिकारी महोदया के द्वारा, उस कार्य को हम लोगों ने तत्परता के साथ किया ताकि हमारे जिले का नाम खराब ना हो। और हमने रिकॉर्ड भी बनाया, 42 लाख कार्ड से सबसे ज्यादा बनाया है, यानी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग ने कार्ड बनाया है तो। झांसी के चिड़गांव थाना क्षेत्र में गिट्टी से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। ये देख चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचे। इसके बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई। गिट्टी लादकर झांसी की ओर जा रहा था ट्रक। ट्रक जब झांसी जिले में चिड़गांव थाना अंतर्गत ग्राम बरल के पास पहुंचा तभी उसमें आग लग गई। महोबा में अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई है। 5 साल बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। 20 साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि साल 2018 में 13 साल की नाबालिग के साथ घटित हुई वारदात, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम ने सजा सुनाई है। 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 जुर्माने की सजा। कबरई थाना क्षेत्र का एक बुरा मामला।
जासिक बड़ागांव थाना क्षेत्र के गोरा मछुए के पास तेज रफ्तार से भाग रहे अनियंत्रित ट्रक ने आपे सहित तीन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाकर घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जायक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक झांसी से कानपुर की ओर जा रहा था ट्रक, जैसे ट्रक बड़गांव थाना क्षेत्र के गोरा मछुए के पास पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर उसने आगे चल रही दो बाइकों में और एक आपे में टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। आगरा में एक फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख पड़ोस में बनी फैक्ट्री के कर्मचारी निचले बाहर निकल गए और थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। लगातार आग बुझाने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि भारी संख्या में यहां पर नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम क्षेत्र का ही पूरा मामला है। महाराजगंज में माइक्रो फाइनेंस एजेंट से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। दिनदहाड़े लूट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। एजेंट गांव से पैसा कलेक्शन कर वापस लौटते समय बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। तीनों बदमाशों ने करीब 1 लाख रुपए से भरा बैग एजेंट के बाइक को रोककर लूट लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कोटीबार थाना क्षेत्र के बस्टीला गांव के पास ही लूट हुई है। पीलीभीत में मामूली पेट दर्द की शिकायत लेकर आई महिला की पेट में ट्यूमर निकला। बीते 1 साल से पेट दर्द से महिला परेशान थी। कई जगह इलाज कराने पर भी राहत नहीं मिली। पीड़ित महिला शाजापुर जिले के निगोही की निवासी है। शेखिन जी अस्पताल में महिला ने अपना चेकअप कराया। चिकित्सकों ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड में यहां पर ट्यूमर दिखा। आपको बता दें कि महिला का ऑपरेशन कर यहां पर ट्यूमर निकाल दिया गया है और महिला की जान बचाई है। शहर के माधुरांडा रोड स्थित कृष्णा अस्पताल का ही पूरा मामला है। आगरा में करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला सामने आया। जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे हैं बिल्डर कमल चौधरी के घर पहुंचे पुलिस। कमल चौधरी के घर मुनादी करने पुलिस पहुंची थी। ढोल नगाड़ों के साथ नोटिस चस्पा कर पुलिस ने यहां पर मुनादी कराई है। 30 दिन में समर्पण न करने पर घर की कुर्की की बात भी यहां पर कही जा रही है। एसीपी लोहामंडी सहित थाना जगदीशपुर थाना लोहामंडी का फोर्स मौजूद रहा। थाना लोहामंडी क्षेत्र का ही पूरा मामला है। कानपुर पर्रा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यक्ति की हुई हत्या का कानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों एक शराब पार्टी में दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। शराब पार्टी के दौरान गाली गलौज कर मारपीट कर हत्या कर दी थी। दोस्तों ने लकड़ी की फंटी से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस में शिकायत दर्ज की थी उसके पत्नी ने। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। थाना बर्रा पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा जो बातें बताई गई उस के आधार पे थाना बर्रा पे 302 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग नामजद कराए गए थे, जिसमें रुद्र प्रताप सिंह, कल्लू रावत, संजय और वैद्य शुक्ला, ये 4 नामजद थे। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की टीमें भी मौके पर बुलाई गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। घटनास्थल को बारीकी से देखा गया और वहां से कानपुर के बिटर थाना क्षेत्र के ईश्वरीगंज में नाली के विवाद में प्रधान और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने कानपुर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिटूर के ईश्वरीगंज गांव के प्रधान क्षेत्र में ही नाले का निर्माण करा रहे थे, जहां गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। धनराम बौद्ध के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त से मिलकर प्रधान के परिवार ने अपने साथ ही मारपीट के लिए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया नाले निर्माण का विरोध कर रहे गाँव के ही शिवशंकर निषाद, शिव बालक, तमाम लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मोबा के ग्योड़ी गांव में तलाकशुदा महिला ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली, तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला मोबा जनपद के खन्ना थाना क्षेत्र के ग्योड़ी गांव में तलाकशुदा महिला ने अज्ञात कारणों के चलते मकान के अंदर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची है, आगे की छानबीन की जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों से महिला ने खुदकुशी की है। भैया क्या नाम है आपका? छोटे। कहाँ के रहने वाले हो? ग्योड़ी। अच्छा, क्या हो गया, क्या घटना हो गई? हमारी छोटे भाई की लड़की है, भतीजी लगती है, वो अचानक फांसी लगा लाई। उनकी माँ चली गई थी निमंत्रण में, उनका पिता चला गया था पानी लगाने, भाई चला गया था बाहर पढ़ने, कोई नहीं था घर में। अभी हम नहीं बता सकते कैसे फांसी लगा ले। अच्छा, क्या इनकी शादी आदि वगैरह हुई थी? जी, शादी हो गई थी। कितने साल हो गए थे शादी के? शादी 2020 में हुई थी, 21 में। फिर क्या हुआ था? एक तरफ अतिक्रमण के खिलाफ प्रवर्तन दल की टीम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, वह दूसरी तरफ कैंट थाना क्षेत्र के अम्बेडकर चौराहे के पास सड़क के किनारे सब्जी और फल का दुकान लगाई हुई है। व्यवसायियों की दुकानों को हटाने पहुंचे प्रवर्तन दल की टीम का पटरी व्यवसायियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए पटरी व्यवसायियों ने ठेले पर
कैरेट ट्रकर्स में आग लगा दी और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पटरी व्यवसायियों ने बताया कि नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे दुकान लगाए पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न कर रही है। जुर्माना वसूलने के बाद भी अभद्रता करते हुए सामानों को गाड़ी पर लाद कर ले जाया जा रहा है। हम गरीब दुकानदार किसी तरह से सब्जी फल बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों पर कार्रवाई होगी तो हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। आज हम लोग सुबह मंडी गए हैं, हम लोग दुकान लगा लिए। दुकान लगाने के बाद अधिकारी आए, जल्दी जल्दी बोले सामान भर लो, नहीं तो तुम लोग का सामान हम लोग लाद लेंगे। हम लोग कहे साहब हम लोग तो सड़क पे नीचे पर लगाए बिछा कर कैसे हटा, कह रहे नहीं हटाओगे तो लाद ठेला लाद लिया। फिर उसके बाद ये चलान दे रहे हैं हम लोग को, बोल रहे चलान लो फिर उसके बाद अस्थाई से हटाओ। सर हम लोग जाएगा, एक महीने बंद किए थे, हम लोग के बच्चे रोड पे आ गए। हम लोग यही मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि हम लोग के शहर के लोग सड़क पे ही जीते हैं? सारा खाली विकास के नाम पे ही काम होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब पटरी व्यवसायी जहाँ बना रहा बैंडी। नगर निगम ऋषिकेश में कार्यरत पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य जांच के लिए नगर निगम परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के चिकित्सालय की टीम पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंची। सहायक नगर आयुक्त रमेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर लगाने का मकसद केवल यही है कि शहर की स्वच्छता को बरकरार रखने वाले पर्यावरण मित्र खुद भी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य जांच में अगर किसी भी पर्यावरण मित्र को किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो उसका इलाज भी नगर निगम स्तर पर कराया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम में करीब 300 स्थायी और अस्थायी पर्यावरण मित्र स्वच्छता समितियां बनी हुई हैं, जिनकी हर साल नगर निगम की ओर से स्वास्थ्य जांच कराई जाती है। संभल जिले के कैला देवी थाना इलाके के गांव में खेत से चारा लेने गए किसान पर जंगली सुअर ने हमला बोल दिया। जंगली सुअर के हमले में किसान बुरी तरह से जख्मी हो गया। किसान की शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े, मौके पर पहुंचकर जंगली सुअर को भगाया और घायल किसान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कैला देवी गांव रोदीप की घटना है। एक किसान अपने खेत से आ रहा था, रास्ते में उस पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसके कारण किसान जख्मी हो गया। उसको अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने सदर कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परखी कोतवाली की व्यवस्थाएं, खामियों पर अधीनस्थों को फटकार लगाई है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। संभल सदर कोतवाली इलाके का ही पूरा मामला है। आज मेरे द्वारा संभल कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया था। इसमें बिल्डिंग और जो यहाँ के अस्त्र शस्त्र हैं और अभिलेख, इनका अवलोकन किया गया है। कुछ अधिकतर बिल्डिंग का रखरखाव ठीक है और रजिस्टर भी इन्होंने ठीक मेंटेन करे हुए हैं, और बाकी फोर्स का आवंटन और टिकट्स वगैरह इनको भी चेक किया गया। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मुख्यालय के शिवचांडव के पास रहने वाला था मृतक। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बड़े वाहनों की आवाजाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। महोबा पुलिस लाइन्स रोड पर सीएमओ ऑफिस के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। उन्नाव में कमिश्नर के जनता दर्शन में फूटा भाजपा विधायक का गुस्सा। एसडीएम हसनगंज आईएएस हिमांशु गुप्ता पर भड़के विधायक। एसडीएम से कहा कि विधायक ब्रजेश यादव की भी जांच करवा लेना आप। शिकायतकर्ता को फोन कर धमकाने पर भड़के विधायक कमिश्नर से शिकायतकर्ता निकला था। शिकायतकर्ता को डीसी मनरेगा ने फोन कर धमकाया था। शिकायतकर्ता रोजगार सेवक की जांच करवाने की धमकी मिली थी। शिकायतकर्ता को धमकाने पर वापस लौट विधायक भड़क गए। शिकायतों के निस्तारण के बजाय मामला दबाने का खेल सामने आया है। कमिश्नर के जनता दर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शिकायत निस्तारण की पोल खुल गई। कमिश्नर रोशन जकेब के समझाने पर यहाँ पर ब्रजेश रावत जो है विधायक वो शांत हुए। सहारनपुर में बेकरी मालिक के घर लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के मुकदमे में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट की नकदी, अवैध असलाह, कारतूस बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मंडी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बिक्री स्वामी के घर पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट के मुकदमे में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हुई थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ वो ले गए थे और कितने लोग गिरफ्तार हुए? जय मंडी थाना क्षेत्र में 26-27 जनवरी की रात में मदनपुरी कॉलोनी लगती है, उसमें एक बेकरी स्वामी है युधिष्ठर जी, उनके साथ ये जब वापस वो अपनी बेकरी बंद करके वापस अपने घर पे आए थे
तो चार लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ लूटपाट की थी। सभी उच्च अधिकारियों ने इस घटना को संगीनता और गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद हमने इसमें सीसीटीवी सर्विलेंस। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित पुरानी चुंगी पर उस समय पर तफरी मच गई जब किसी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लातघूस चले। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों से दर्जन लोग इकट्ठा होकर मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जाजमऊ पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोनों पक्ष पर हुए खूनी संघर्ष में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय लोगों ने कैमरे पर आने से मना करते हुए बताया कि जाजमऊ चुंगी चौराहे पर दर्जनों अवैध ठेके लगते हैं और पास ही एक अवैध कैंटीन और ठेलों में लोगों को शराब पिलाई जाती है। वही अज्ञात शराबी ने ठेले के पास लघु शंका करने से मना करने पर शराबी ने ठेले वालों को जमकर पीट दिया, जिस पर क्षेत्रीय लोगों ने हस्तक्षेप कर पुलिस को सूचना दी। रायबरेली में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर की नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुमितपुरी टेकरी दादू गांव का है। जॉइंटर कॉलेज को जाने वाले रास्ते मनरेगा के तहत खड़ंजे लगाने का काम चल रहा था, जिसके लिए पास में गई नहर की मिट्टी खोदकर उसमें डाली जा रही थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। मिट्टी खुदाई के दौरान एक मजदूर का पैर फिसला और गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? पिंटू सिंह। कहाँ रहते हैं? सुमतपुर। थाना कौन सा? डी। क्या हुआ है जी? सर, नरेगा का कार्य चल रहा था, स्कूल की खरिंजा लग रहा था और नहर की पट्टी से मिट्टी जो है भरी जा रही थी नहर से, और वहीं पे इनका पैर फिसल के जी गिर गए और जिससे इनकी मृत्यु हो गई। तो नहर में पानी ज्यादा था? जी, फुल नहर, पानी बहुत था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।